Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do third part of the chapter legislature. In last class basically we have discussed all the things related to the Rajya Sabha of our country. We have discussed how the members of Rajya Sabha are elected, right? Who are the members who elect them? Okay, we have also discussed what is the process. We have also discussed that after 2 years one third members are retired. I hope everything related to Rajya Sabha is completely clear to all of you. अब देखो हमने last class में ना bicameral system पढ़ा था, right? तो अब वो जो bicameral system है, Germany में भी bicameral है. तो अब वो study करेंगे कि Germany का bicameral system कैसा है. Okay? तो let us discuss now bicameralism in Germany. Germany has a bicameral legislature, जैसे हमारे यहाँ है लोकसभा राज्यसभा. The two houses are known as Federal Assembly and Federal Council. अब ये उनके जो Bundestag और ये सारे जो names हैं, ये सारे के सारे उनके local languages में name हैं. आप याद रखना कि उनके दो houses हैं, एक है Federal Assembly और एक है Federal Council, जैसे हमारे Legislative Assembly और Legislative Council होती है. ओके, अब देखो असेंबली इज इलेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. अब जो असेंबली होती है उसका इलेक्शन सिस्टम कैसा है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. और ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें किसका किसका होता है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन होता है. और कितने टाइम पीरियड के लिए वो चूज होते हैं? फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. ओके, द 16 फेडरल स्टेट, अब देखो फेडरल स्टेट्स कितने हैं वहां पे, 16 हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल काउंसिल, राइट. अब देखो फेडरल काउंसिल आप लोगों को क्या समझ आया था, टू हाउसेस में से एक है फेडरल असेंबली और एक है फेडरल काउंसिल, है ना. तो जो फेडरल काउंसिल के मेंबर्स हैं, अब देखो क्या है, 16 फेडरल स्टेट वो क्या करते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन गेन करते हैं. द 69 सीट्स आर ऑफ द 69 सीट्स ऑफ द बंदेस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड अमंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ पॉपुलेशन. देखो सेम सिस्टम वहां पर भी है कि जितनी टोटल सीट्स हैं फेडरल काउंसिल की, उसमें से क्या हो रहा है, फेडरल काउंसिल की सीट्स को डिवाइड कर दिया जाता है 16 फेडरल स्टेट में ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब जो सिस्टम हमारे यहाँ है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे यूपी जैसा स्टेट 31 मेंबर भेजेगा और सिक्किम जैसा छोटा स्टेट 1 मेंबर भेजेगा, तो यहां पर भी इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, इनकी टोटल सीट्स हैं 69. ओके, जो इनका अपर चैम्बर होगा, तो वहां से ये लोग क्या करते हैं, टोटल स्टेट्स हैं इनके 16, तो इन्होंने भी हमारे जैसा सिस्टम अडॉप्ट किया है कि पॉपुलेशन के बेस पे स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन गेन करते हैं. दीज मेंबर्स आर जनरली द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड. अब यहां पर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना जो भेजे जाते हैं, तो बेसिकली कौन से होते हैं, मेंबर्स होते हैं अपनी गवर्नमेंट में, मिनिस्टर्स होते हैं अपनी गवर्नमेंट में. बेसिकली दीज आर अपॉइंटेड, दीज आर नॉट इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द फेडरल स्टेट. जैसे हमारे यहाँ होता है ना एमएलए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है, वो अपॉइंटेड होते हैं. अकॉर्डिंग टू द जर्मन लॉ ऑल द मेंबर्स फ्रॉम वन स्टेट हैव टू वोट अ ब्लॉक एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, वहां पर क्या होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं एक स्टेट के, वो वोट करते हैं एज अ ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं. यू कैन से एक वोट करते, उन सभी के मिलाकर वो एक वोट करते हैं. ओके, एक ब्लॉक की फॉर्म में, यानी एक यूनिफॉर्म वोट वो लोग करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्ट करती है, राइट. समटाइम ड्यू टू कोएलिशन गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल दे फेल टू रीच वन एन एग्रीमेंट एंड मे हैव टू एब्सटेन. अब देखो क्या हो सकता है, हमने क्या पढ़ा कि उनको मिलाकर ना एक कॉमन डिसीजन लेना होता है, बट कंट्री तो वो भी है, इंडिया जैसी प्रॉब्लम्स वहां भी हैं. अगर सपोज एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वहां पर भी प्रॉब्लम है, दे आर एबल टू रीच देन एग्रीमेंट, और इसलिए वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ओके, उसके बाद द बुंदेश्वरिट डज नॉट वोट ऑन ऑल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स बट ऑल द पॉलिसी एरियाज ऑन विच द फेडरल स्टेट्स हैव कंकरेंट पावर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडरल रेगुलेशन मस्ट बी पास बाय इट. मतलब वो सारे के सारे एरियाज में वोट नहीं करती है, लेकिन जो ऐसे इंपॉर्टेंट के मैटर है ना जो उनसे रिलेटेड हैं, तो वहां पर उनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है और वो रेगुलेशन वो पास भी करती है. ओके, और ऐसे एरियाज में इट कैन ऑल्सो वीटो, मतलब इसके पास ये स्पेशल पावर क्या है कि ये वीटो भी कर सकती है.
ये स्ट्रक्चर है जो जर्मनी में किसका है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का है. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट क्लास में राज्यसभा वी हैव कम्प्लीटली डिस्कस्ड. ओके, अब यहाँ पे नाउ वी आर ऑन दी लोकसभा. अब आते हैं लोअर चैम्बर. अब आते हैं उस चैम्बर पे जिसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. राइट, सो द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है लोकसभा, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया है बाय द वोट्स. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री स्टेट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रफली इक्वल पॉपुलेशन. अब इलेक्शन प्रोसीजर उसका आप लोगों ने देख लिया, राज्यसभा का आपने देख लिया ना, कि हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं. हमने जिनको इलेक्ट किया वो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को. बट यहां पे क्या सिस्टम है, यहां पे सिस्टम ये है लोकसभा के मेंबर्स के रिगार्डिंग कि हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली वोट करते हैं. और इसके लिए क्या होता है, पहले हम कंट्री की क्या चेक करते हैं, क्योंकि देखो हर 10 ईयर के बाद हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. राइट, तो ऑन द रफ एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन के बेस पे हम कंट्रीज को ना डिवाइड कर देंगे. और क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पॉपुलेशन को डिवाइड करके ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव लेना होता है जो उस एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा में. समझ आया, मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी कंट्री को हम डिवाइड कर देते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. और जहां से एक मेंबर इलेक्ट हम करते हैं उस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. राइट, तो हमने क्या करना है, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्री की पोजीशन देखते हैं, उसके बाद हम पॉपुलेशन का आइडिया लगा रहे हैं, उसके बाद उस पॉपुलेशन को रफली हम इक्वल पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. किस बेस पे करेंगे, कि हमें कितने एमपीस चाहिए इस बार. मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 552. ओके, तो कितने मेंबर्स पे कितनी सीट्स पे हमें इलेक्शन करवाने हैं उसके बिहाफ पे हम रफली पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड कर देते हैं. और उसके बाद फिर क्या करता है, जितनी पॉपुलेशन के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया, मान लिया हमें 543 मेंबर्स इलेक्ट करने थे, तो हम क्या करेंगे 543 एरियाज में कंट्रीज को डिवाइड कर देंगे और उस पर एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करेंगे. उस एरिया को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी. और उस मेंबर को जो इलेक्ट होकर आए उसको बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. समझ आया, वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. और किस बेस पे इलेक्ट होता है पर्सन, यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. मतलब क्या होता है कि एक एज होती है, अडल्ट लिखा ना, तो मतलब एक एज है हमारी कंट्री में, एंड आफ्टर गेटिंग एज एवरी पर्सन इज एबल टू गेट राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, एनीथिंग. ओके, तो हम क्या करते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. ओके, और इसमें देखो क्या होता है, वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर. और इसका सिस्टम क्या होता है, यूएफ का मतलब कि आपके वोट की वैल्यू भी उतनी है, मेरे वोट की वैल्यू भी उतनी है, मतलब सभी के वोट्स की वैल्यू क्या होंगी, दे विल बी इक्वल. प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ 543 एमपीज हैं. और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आई हैव टोल्ड यू कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है हमारी कंट्री में कितनी, 552 हो सकती है. और ये जो मेंबर है, ये जो नंबर है हमारा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला, ये 1971 के हम जो सेंसस हुई थी ना, हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, जनगणना बोलते जिसको, उसके बाद हमने इस नंबर को चेंज नहीं किया. आज भी हमारे मेंबर्स कितने ही हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर, मतलब हमारे टोटल एमपी प्रेजेंट में कितने होंगे, 543. आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था ना, कि राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, पढ़ा था हम लोगों ने, राइट. बट लोकसभा के साथ क्या है, लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स. दिस इज द मैक्सिमम. और ये टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम है, इसके बाद हमें रिलेक्शन करवाने होते हैं. हमने पढ़ा था ना जनरल इलेक्शन, कि हमारी कंट्री में आफ्टर 5 ईयर्स वी आर हैविंग इलेक्शंस. सो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव दैट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन.
अब देखो क्या होता है, ये टाइम पीरियड मैक्सिमम है, ओके लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि इससे पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अगर मान लिया कोई लोकसभा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाती है तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। और किस पोजीशन में किया जाएगा, अगर कोई सिंगल पार्टी या फिर कोएलिशन ऐसा एक ऐसी गवर्नमेंट चला पाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और ये किसकी एडवाइस पे होते हैं, कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर को, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट नहीं, आप वर्ड यूज करोगे लोकसभा ओनली। और ये किसकी एडवाइस से होता है, बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा। किसको डिसॉल्व करेगा, लोकसभा को डिसॉल्व करेगा, राइट। और क्यों डिसॉल्व करेगा, क्योंकि सपोर्ट लूज हो चुका है, राइट। और उसकी उस सिचुएशन में क्या होता है, लोकसभा विल बी डिसॉल्व एंड देयर विल बी फ्रेश इलेक्शंस। क्लियर टू ऑल। अब देखो हमने जब लास्ट पार्ट किया था, इन विच बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू राज्यसभा, तो हमने पढ़ा था कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, नॉट स्पोर्ट्स वी हैव स्टडीड, बट क्या होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं ना जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया किसी फील्ड में, उनको ना राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेट कर लिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो हमारी कंट्री के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था, ओके। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते ना 12, तो प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया था। अब यहां पे स्टेटमेंट है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग दीज स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट, होम डू दे रिप्रेजेंट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्या लॉजिक है कि हम इन लोगों को क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को, कुछ आर्टिस्ट को, साइंटिस्ट को, व्हाई वी आर डूइंग सो, होम डू दे रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, एंड डू दे रियली कॉन्ट्रीब्यूट मच टू दी प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा, क्या वो एक्चुअल में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग में। अब देखो ये जो मेंबर्स हैं, मान लिया आप लोगों ने हमारी कंट्री में, मान लिया नॉमिनेट कर दिया किसी ऐसे पर्सन को जो साइंटिस्ट हैं, अब क्या होगा, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। वैसे पॉलिटिक्स में इतने ऐसे ऐसे आपको हाईली क्वालिफाइड पीपल नहीं मिलते नॉर्मली इन आवर कंट्री, राइट, क्योंकि साइंटिस्ट पीपल और ये ऐसे जो लोग होते हैं दे आर फोकसिंग ऑन देयर ऑन वर्क ओनली। तो ये मेथड क्या होता है नॉमिनेटिंग का मेथड, बेसिकली ये मेथड होता है कुछ एक्सपर्ट लोगों को कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में प्लेस देने का, क्योंकि यही ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें कुछ ऐसे सजेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होंगे कि हमें ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, राइट। तो मतलब ये पीपल बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, और अगर वो एक्सपर्ट हैं सो दे कैन गिव एक्सपर्ट एडवाइस ऑल्सो, एंड इट इज द मेथड बाय विच वी कैन एनकरेज गुड पीपल टू कम इन टू द पावर, राइट। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये उस माइंडेड ग्रुप को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट बना रहता है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में, राइट। देखो अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं तो वी आर हैविंग अ स्ट्रेंज, और यू कैन से अ श्योरिटी, स्ट्रेंज काइंड ऑफ श्योरिटी कि ऐसे पर्सन है जिनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है, राइट। तो ऐसे पीपल जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो वी फील अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम द पॉलिटिक्स, राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिक्स को नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है, बट अगर ऐसे पीपल आएंगे सो इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी इन द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, और वो पूरी की पूरी एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ बेनिफिट ऑफ नॉमिनेटिंग दीज मेंबर्स इन द राज्यसभा, डन। सो नेक्स्ट, अब देखो यहां से आपको बोला गया है चेक योर प्रोग्रेस, डू यू थिंक दैट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा हैज प्रोटेक्टेड द पोजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है कि क्या आपको लगता है कि जो हमारी राज्यसभा की पोजीशन है उसने प्रोटेक्ट किया है स्टेट्स की पोजीशन को, बिल्कुल प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन के बिहाफ पे क्या जा हो रहा है, स्टेट में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि यस ऑफकोर्स। अब सेकेंड पूछा गया है
कि शुड इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा शुड बी रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, व्हाट शुड बी इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर हम क्या कर दें राज्यसभा के मेंबर्स को भी डायरेक्टली इलेक्ट करना शुरू कर दें, तो क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। देखो अगर डायरेक्टली इलेक्ट होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे हमें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, है ना, और फिर तो कोई चैम्बर हमारा परमानेंट चैम्बर बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है। लेकिन अगर हमें उनके भी इलेक्शंस ऐसे ही कराना शुरू करवा दे, डायरेक्ट इलेक्शंस करवाना शुरू करा दिए, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर तो राज्यसभा भी डिसॉल्व होगी, राइट, और फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं देखो अगर दो चैम्बर्स है ना, फिर दोनों में पावर्स के लिए डिस्प्यूट अराइज होंगे, फिर आपको दो चैम्बर बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एक ही से काम चल जाएगा, राइट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी अगर हमने क्या कर दिया राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करना शुरू कर दिया हमारी कंट्री में। एडवांटेजेस क्या हो सकती है, एडवांटेजेस ये हो सकती है कि वो पीपल भी हमारे लिए उतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे जितने लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, है ना, क्योंकि देखो राज्यसभा के मेंबर्स आपके घर पे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे, दे विल नॉट से प्लीज वोट फॉर अस बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू यू ना, राइट, अगर एडवांटेज पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पीपल उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर पाएंगे, है ना, तो राज्य की बजाय वो भी क्या बनेगी, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अब थर्ड आपसे पूछा गया है, सिंस 1971 सेंसस द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा हैज नॉट इंक्रीज्ड, डू यू थिंक दैट इट शुड बी इंक्रीज्ड, व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर दिस। अब हमने पढ़ा कि 1971 से लेके अभी तक हमने हमारे नंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के उसको चेंज नहीं किया, 543 ही है, तो क्या इसको इंक्रीज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस बेस पे करना चाहिए। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि रफली पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, है ना, तो अगर हमारी 1971 से तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, राइट, तो अगर उसको इंक्रीज करना है सो द बेस विल बी पॉपुलेशन ओनली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी इन इक्वल मैनर, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ओनली, राइट। अब रीड करेंगे कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन और टू फंक्शन ओनली। अब देखो व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, कि एक्चुअल में पार्लियामेंट करती क्या है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, डू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शन, इज देयर अ डिफरेंस इन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेस। यहां आप पढ़ोगे कि लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या क्या है, क्या दोनों हाउसेस के पास सिमिलर पावर होती है या फिर कोई डिफरेंस होता है उनकी पावर्स में। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग द पार्लियामेंट इज एंगेज्ड इन मैनी अदर फंक्शंस, और सिर्फ लॉ बनाना ही काम नहीं है, बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, सो लेट अस डिस्कस ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्योंकि देखो लेजिस्लेचर बॉडी है ना हमारी कंट्री की, लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन तो ऑफकोर्स इसका फॉरमोस्ट टास्क होगा, राइट। अब देखो क्या है, द पार्लियामेंट इनेक्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, डिस्पाइट बींग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है लॉ की फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंट्री की चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, और इसीलिए क्या है इसके पास पावर है कि ये लॉ को अप्रूव करती है, राइट। द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। देखो हम लोगों ने पढ़ लिया ना पूरा पिछला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और हमने उसके लिए एक वर्ड स्टडी किया था बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो वर्ड क्यों स्टडी किया था बेसिकली, क्योंकि वही वो पीपल होते हैं एक्चुअल में जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, मान लिया हमें लॉ बनाना है तो उस लॉ का फ्रेमवर्क कौन प्रिपेयर करेगा, वही लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लीडरशिप सुपरविजन किसकी होती है, उससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर की। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, और इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि सब कुछ यही डिसाइड करते हैं कि किस टाइमिंग पे पास होना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो सब कुछ। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की अप्रूवल के बिना कोई बिल प्रेजेंट ही नहीं हो सकता पार्लियामेंट में।
members other than ministers can also introduce bills, but they have no chance of being passed without the support of the government. हालांकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे members भी present कर सकते हैं bill को, है ना, जो simple members हैं, जो other than ministers हैं, वो भी पास कर सकते हैं, बट देर इज अ लो चांस ऑफ पासिंग इट. क्यों? क्योंकि आपको लॉ पास करवाने के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट? सो सबसे फर्स्ट टास्क किसका क्या है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट का? सबसे फर्स्ट टास्क है लेजिस्लेटिव फंक्शंस, राइट? अब सेकंड क्या है? कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी. अब देखो क्या है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, ये वो फंक्शन है जो हम पिछले चैप्टर से रीड करते आ रहे हैं, है ना? तो परहैप्स द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम. अब देखो हमने ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो वो बॉडी है ना जो इंश्योर करती है कि हमारी एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप ना करे और वो रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि पीपल ने उसको इलेक्ट किया है. दैट्स व्हाई इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. एंड वी शैल डिस्कस द फंक्शन इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन द चैप्टर. जो मेजर फंक्शन होंगे कि कंट्रोल होता है कैसे, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मतलब सेकंड फंक्शन क्या हो गया, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. थर्ड है फाइनेंशियल फंक्शन. अब देखो फाइनेंशियल क्यों, क्योंकि कंट्री का बजट कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, लोकसभा में प्रेजेंट होता है, है ना? तो गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स. वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन. अब जो ये मनी हम यूज करते हैं ये आती कहां से है? तो हर एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, राइट? पुराने टाइम से लगते आ रहे, किंग्स भी टैक्स लगाते थे, आज भी हम लोग टैक्स पे करते हैं. हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट. लेकिन आज के टाइम पे लेजिस्लेचर वो सारी चीजें कंट्रोल करती है कि हमारा टैक्सेशन कैसे कलेक्ट होगा और गवर्नमेंट इसको कैसे यूज करेगी, राइट? इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा. क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई भी नया टैक्स लगाना है तो पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी लोकसभा से. फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स. क्योंकि फाइनेंशियल पावर क्या है पार्लियामेंट की, कि वो गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड करवाती है रिसोर्सेज की रिगार्डिंग, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके. द गवर्नमेंट हैज टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज स्पेंट द रिसोर्सेज दैट इट विशेज टू रेज. अब देखो हर साल बजट क्यों पास होता है, क्यों? क्योंकि बजट क्या है, बजट क्या है कि आने वाले ईयर का कंप्लीट लेखा जोखा है कि हम क्या खर्च करने वाले हैं, क्या हमें मिलने वाला है. तो ऐसे में इसको पास कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट है. सपोज बीजेपी अभी प्रेजेंट में मेजोरिटी में है तो आर्बिट्री फॉर्म में कुछ भी कर सकती है. इसीलिए क्या है कि हम उस पर चेक कर सके, कंट्रोल लगा सके. इसीलिए हम लोगों ने ऐसा प्रोविजन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो मनी को वेस्ट ना करें. अगर एक भी सिंगल रुपी वेस्ट हो, यूज हो रहा है, नॉट वेस्ट सॉरी, यूज हो रहा है, तो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, इट शुड बी क्लियर. और इसीलिए हर एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले, हर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस होने से पहले उसको पास कराना पड़ता है कंट्री की लेजिस्लेचर में, राइट? द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड. ये ऐसा भी ध्यान रखती है कि गवर्नमेंट ना तो मिस स्पेंड करे, मतलब खराब खर्च ना करे, फिजूल खर्च ना करे, और ना ही ओवर स्पेंड करे. मान लिया कोई एक टास्क है जिसका काम 1 करोड़ में चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों उस पर 1.5 करोड़ रुपए लगा रही है? अब अपोजिशन वाले तो क्वेश्चन पूछेंगे और मिनिस्टर्स को आंसर देने पड़ेंगे. तो इसीलिए इंश्योर हो जाता है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट मिसस्पेंड कर सकती है ना ओवर स्पेंड कर सकती है. और ये क्या होता है, दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये किसकी हेल्प से होता है, हमारी बजट की और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड इट. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. I hope 3 parts are completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and question, you can ask your doubts in comment section. We'll meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.